गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ बेसिक साइंस यानी फिजिक्स का चौथा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन इसके निचोड़ से बहुत सारे लगभग 100 वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर तरह के प्रॉब्लम से हमें रूबरू करवाऊंगा आपको, वन लाइनर के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, पूरा थ्योरी आपके माइंड में छापने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। परेशानी हो तो कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं बार बार बोलूंगा, आप सभी के लिए लगातार पसीने बहा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप भी खुद के लिए मेहनत करते रहो, सिलेक्शन पक्का होगा, निश्चित है मेहनत का फल मिलेगा लगातार। और दबा के शेयर भी करते रहो, कोई भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए, सभी को यह महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए जहां से हर चीज का बेस्ट तैयारी हो और निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं हम लोग फिजिक्स का चौथा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले तीन चैप्टर फुल डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे विश्वास है आप सभी विद्यार्थी नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने वाला है, 100 से अधिक प्रश्नों का वन लाइनर धमाका आने वाला है, उसके बाद 100 से अधिक प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आने वाला है, तो उससे पता चलेगा कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे। तो आपसे मैं फिर कहूंगा कि जो विद्यार्थी नोट्स बनाते जा रहे हैं कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कितने विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं। जो नहीं कमेंट किए जरूर करिए, और लगातार आप नोट्स बनाते चलिए निश्चित रूप से। और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कार्य ऊर्जा और शक्ति जिस समय पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि गुरुत्वाकर्षण का रीडिंग दे देना है 2 से 3 बार। जो रीडिंग दे चुके हैं पहले से, उनको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में तो सभी को मजा आएगा, याद तो सभी को होगा, लेकिन जो पहले से रीडिंग दिए उनका माइंड में और ज्यादा पूरे तरीका से फिट हो जाएगा, क्योंकि पूरा लूसेंट को माइंड में हम लोग को छापना, अभी तक भले ही अलमारी में था, अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट डिफिनेशन और पॉइंट्स को समझते जाते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो बोलता है ब्रह्मांड में अवस्थित 2 कण या 2 पिंड, ब्रह्मांड में अवस्थित या स्थित 2 कण या 2 पिंडों के मध्य कार्यरत वह बल जिससे दोनों कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब यहाँ पे एक पिंड है, यहाँ पे एक पिंड है, ये पिंड क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस प्रकार से, और ये पिंड क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस प्रकार से। मतलब दोनों पिंड अपने अपने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी बल को गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब सीधा अपने भाषा में समझा जाए तो वह बल जिसके द्वारा दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने, या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। क्लियर। आगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच कार्यरत आकर्षण बल हमेशा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। मतलब 2 पिंड का द्रव्यमान यदि m1 और m2 है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, ये जो होगा इनके गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा उनके बीच के दूरी के, तो उनके बीच के दूरी को मान लीजिए एक पिंड है, ये दोनों के बीच की दूरी r मान लिया जाए, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर समझ में आया, फिर से समझ लीजिए अच्छा से। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, तो ब्रह्मांड में अवस्थित 2 कणों के मध्य कार्यरत वह बल जिससे एक दूसरे को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्लियर है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच कार्यरत आकर्षण बल हमेशा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी फॉर्मूला से और समझ में आएगा। मतलब 2 पिंड है तो द्रव्यमान m1 m2 होगा, तो जो बल होगा, जो आकर्षण बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अर्थात यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हो,
तो उनके बीच दूरी r हो। फिर से समझिएगा, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो तथा उनके बीच की दूरी कैपिटल r हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा f बराबर, f से फोर्स होता है, g m1 m2 बटा r स्क्वायर। देखिए m1 m2 मतलब ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के गुणनफल ऊपर है, ऊपर है मतलब समानुपाती, यदि इसको दुगना तिगुना जय गुना करेगा उतना गुना ही बढ़ेगा, लेकिन इसको जितना बढ़ाइएगा ये घटेगा, ये जो हुआ बीच की दूरी हुआ, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती, जो नीचे है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जो ऊपर है उसके समानुपाती। फिर से, जो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया उसका कहना था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है g इंटू एम वन एम टू बटा r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी ऊपर लिख सकते हैं, g m1 m2 बटा r स्क्वायर, यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, g m1 m2 बटा r स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि g है क्या। तो जहाँ g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट राशि है, यह हमेशा कांस्टेंट रहता है, सार्वत्रिक मतलब कहीं पर यह चेंज नहीं होता है। जैसे आगे चल के स्मॉल जी के बारे में बताएंगे उसका मान बदलते रहता है, लेकिन कैपिटल जी के बारे में क्या लिख दिया है कि यहां पर जो हम लोग लिखे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जी एम वन एम टू बटा स्क्वायर, जहां जी जो हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जी का मान हमेशा होता है 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको याद रहना चाहिए 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर या प्रति वर्ग मीटर, याद रखें। या फिर से बोलता हूं, बार बार बोलता हूं ताकि माइंड में सेट हो जाए, कैपिटल जी बराबर 6.67 गुने 10 पर पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम, वर्ग किलोग्राम ऐसे बोल सकते हैं, या सीधा ऐसे याद रखना सीधे भाषा में कि जी बराबर 6.67 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रह जाएगा। फिर से गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि कैपिटल जी का फॉर्मूला लिखिए, तो जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, जहां जी का मान, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद हो गया। गुरुत्व या गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं, तो ये क्या है, तो कहता है दो पिंडों में से यदि एक पृथ्वी हो, जैसे आपने बोला ना कि दो पिंडों के बीच जो बल लगता है अपनी ओर खींचता है इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और ये दो पिंड में से एक पृथ्वी हो, दो पिंडों में से एक पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अर्थात दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्व या गुरुत्वीय बल। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, पहले तो ये है कि गुरुत्व या गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, दो पिंडों में से एक पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले बल को, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वीय बल वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को, किसी पिंड को, किसी कण को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल अपने भाषा में उसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, VVI है, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी द्वारा सूचित किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी द्वारा, जबकि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी द्वारा, और कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जबकि यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय त्वरण को, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल जी द्वारा सूचित करते हैं, और स्मॉल जी मान मेनली रूप से फॉर्मूला होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, जहां जी तो सर्वात्रिक नियतांक है 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आई एम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है,
वो होता है 5.98 × 10^24 केजी, चूंकि इसका केजी में लेके चलना है, चूंकि ये भी है क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.98 × 10^24 केजी। क्लियर है? यहाँ पे आइए, यहाँ पे R का मान होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.38 × 10^8 मीटर। तो बोलिए सर, ये जो स्मॉल g का फॉर्मूला, ये भी पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है gm/r², जहां g हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान याद रखिए, m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, केजी में उसका मान मैंने लिख दिया है, और r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। तब बोलिए सर, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये तो किसी भी ग्रह का ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है, यदि उसका त्रिज्या, उसका द्रव्यमान मालूम हो, तो निश्चित रूप से उसका वहां पे हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 100% समझ में आया? एक बार फिर से मोटा मोटी एक मिनट में दोहरा लेते हैं, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, किसे कहते हैं अपने भाषा में, यदि ब्रह्मांड में अवस्थित दो पिंड एक दूसरे को जिस बल के द्वारा अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी से फार्मूला बना gm1m2/r², जहां g होता है सर्वात्रिक नियतांक 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। फिर से g = 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। बार बार मेरे बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आप बोर होइए, बल्कि आप माइंड में सेट करते जाइए, यहीं पे याद हो जाएगा। आप गुरुत्व या गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो दो पिंडों में से एक पृथ्वी हो, एक पृथ्वी और दूसरा कोई भी पिंड हो, हम आप कोई भी वस्तु जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, उनके बीच लगने वाले बल गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वीय बल वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। कहता है गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी द्वारा सूचित करते हैं। स्मॉल जी का मान gm/r² होता है, कैपिटल gm/r², जहां जी हो गया 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर, एम हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान जो के जी में है 5.98 × 10^24 के जी, आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या जो मीटर में है 6.38 × 10^8 मीटर। क्लियर हुआ? दोहरा देता हूं तो पूरा माइंड में सेट हो जाता होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला पॉइंट्स, आप चाहें तो इसका इतना देर में तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप नोट्स आराम से बनाते चले, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप लिखते चल सकते हैं। क्लियर हुआ? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है, समझ जाए कि एक एक पॉइंट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा भी हो सकता है, इसलिए सब नोट्स करते जाएंगे, अभी तो याद हो ही जाएगा, एक बार आप इसको सब कॉपी में बनाएंगे तब याद होगा, और दो से तीन बार रिवाइज करेंगे तब याद होगा, फिर सभी से वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा तब याद होगा, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तब याद होगा, मतलब पूरे तरीका से माइंड में छपना है तो छपना है। तो यहाँ पे देख लो, जी के मान में परिवर्तन पड़ रहे हैं, ये बीबीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। यहाँ देखिए, सभी याद हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाया जाए, पृथ्वी की सतह से, जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये सतह ऊपर वाला भाग है, इससे ऊपर जाइए या पृथ्वी के नीचे अंदर गहराई में जाइए, तो भी निश्चित रूप से जी का मान घटेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी का मान घटेगा, याद हो गया। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ नीचे जाओ, जी का मान घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर जी का मान महत्तम होता है? तो ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो। क्लियर है? आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है, ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल। तो ये ध्रुव पर जो जी का मान होता है वो महत्तम होता है, अधिकतम होता है। क्लियर है? याद हो गया दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, जबकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ये जो पृथ्वी है
और ये जो बीच वाला रेखा को, ये जो रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पे जो जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। क्लियर याद हो गया? फिर से तीनों पॉइंट्स पूरा माइंड में सेट करते चलेंगे। समय भले आप दे रहे हो, पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। जी का मान महत्तम या अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जी का मान न्यूनतम या सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। अगला पॉइंट चाहिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम जाता है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के उल्टा होता है जी का मान। यदि घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम जाएगा, और घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। क्लियर याद हो गया? पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम जाएगा, घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी, मतलब जितना कोणीय चाल से पृथ्वी घूम रहा है, चूंकि पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो निश्चित है कोणीय चाल से उछलता होगा, हर वक्त उसका एंगल बदलते रहता है। तो यहाँ पे यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे, तेजी से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वैसे भी वहां पर जी का मान न्यूनतम होता ही है, और तेजी से घूमेगा, घूर्णन गति बढ़ जाएगा। तो यहां क्या लिखे कि घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम जाता है। अब जी का मान इतना कम जाएगा कि वो अपनी ओर खींच ही नहीं पाएगा, मतलब कि वहां पे भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, वहां पे भार जो होगा शून्य हो जाएगा। भार क्या होगा? भार के बारे में बताएंगे कि भार होता क्या है। भार जो होता है m गुना g होता है, m गुना g, जहां m हो गया वस्तु का द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो जब यही न्यूनतम एकदम हो जाएगा, कम के शून्य हो जाएगा, तो निश्चित है भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? जरा फिर से समझिए अगला ये पॉइंट को। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार हो जाएगा शून्य, लेकिन ध्रुव पर जी का मान परिवर्तित रहेगा, मतलब वहां भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे क्वेश्चन उलट पुलट के भी पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा पर भार शून्य कब होगा? जब पृथ्वी अपनी वर्तमान घूर्णन चाल से कितना गुना चाल से घूमने लगे, तो वहां पे 17 गुना 16 गुना 18 गुना दिया रहेगा। तो जितना अभी वर्तमान कोणीय चाल से घूम रहा है उससे 17 गुना अधिक कोणीय चाल से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भारहीनता हो जाएगा, मतलब वहां पे भार शून्य हो जाएगा, ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसी ही स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से घट के 1.4 घंटे या 1.4 घंटा को 84 मिनट लिख सकते हैं, 1.4 घंटा या 84 मिनट का हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। फिर से आइए, ऐसी स्थिति में चूंकि अभी पृथ्वी घूम रही है तो 24 घंटा में अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है, लगभग 24 घंटा में, इसलिए एक दिन रात 24 घंटे का होता है। और वही 17 गुना तेज घूमने लगे तो आप 24 में 17 से भाग दे दो, अपने पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। तो लगभग में 1.4 घंटे या 84 मिनट का एक दिन होने लगेगा, 84 मिनट में ही रात हो जाएगा, 84 मिनट में दिन रात दोनों बीत जाएगा। यदि अभी जितना तेजी से घूम रहा है उससे 17 गुना तेजी से घूमे तो, क्लियर हुआ? अभी जितना तेजी से घूम रहा है उससे 17 गुना तेजी से घूमे तो कितना घटना घटा? पहला घटना तो घटा कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता हो जाएगा, शून्य हो जाएगा वस्तु का भार, पिंड का भार, लेकिन ध्रुव पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, वहां भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे या 84 मिनट रह जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, मतलब ये तो तेजी हो गया, तब आप कह रहे हैं कि 84 मिनट या 1.4 घंटे, लेकिन वो घूमना ही बंद कर दे, रुक जाए, घूमे ही नहीं, पृथ्वी पूरी तरीका से रुक जाए, घूमना बंद कर दे, तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थान पर बढ़ जाएगा। फिर जो भार रहेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी का मान ध्रुवों पर कोई परिवर्तन ना होगा, चाहे तो घूर्णन गति बढ़े अथवा घटे, ध्रुवों पर कोई परिवर्तन है, लेकिन यदि घूर्णन गति 17 गुना हो गया तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भार जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो भी ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर और सभी स्थानों पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा? अब अगला पॉइंट इधर चलते हैं।
लिफ्ट में पिंड का भार बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक बार हम दोहराएंगे ये सारे को। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ, स्वाभाविक है आप लिफ्ट में चढ़े होंगे या आसमानी तारा झूला झूले होंगे तो देखते होंगे जब इस प्रकार से ऊपर जाते हैं तो बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है, जब एकाएक नीचे आते हैं तो लगता है कि आप नीचे गिरे हुए जा रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति को बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ, ऊपर जा रहा है तो बढ़ा हुआ क्योंकि वजन लेके, नीचे आ रहा है तो प्रतीत होता है घटा हुआ। लेकिन ये तब होता है, इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ, निश्चित रूप से त्वरण के साथ ऊपर जाएगा या त्वरण के साथ नीचे आएगा तभी ऐसा होता है। फिर से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ, ऐसे लिख भी सकता है और नहीं भी लिखा हुआ तो भी डायरेक्ट सिर्फ लिखा हुआ ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ, नीचे की ओर जाती है तो घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से, समान वेग मतलब बिना त्वरण के, यहाँ पे समझिए पॉइंट्स को, त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा, या त्वरण नहीं भी लिखा हो तो वही होगा। लेकिन यदि लिख दे एक समान वेग से, या बोले कि बिना त्वरण के, या एक समान वेग से वस्तु ऊपर या लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए तो उसमें स्थित पिंड का भार अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन क्लियर हुआ, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ, नीचे की ओर घटा हुआ, समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, नीचे उतर रहे हैं और लिफ्ट की डोरी जिस पे लिफ्ट चल रहा है वही टूट जाए तो निश्चित है धड़ाम से नीचे गिरेगा, मतलब उसमें स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा, कोई भार ही नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो उसमें स्थित पिंड फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। यहाँ पे चारों क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये दोनों तो याद ही हो गया होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए या त्वरण के साथ ऊपर जाए तो बढ़ा हुआ, नीचे जाए या त्वरण के साथ नीचे जाए तो घटा हुआ, ऐसा लिख सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो अपरिवर्तित, नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार शून्य होगा, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा, तो फर्श से उठकर जो पिंड रहेगा, जो वस्तु रहेगा ऊपर छत में टकरा जाएगा, फर्श से उठ के छत में, कब, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। तो यहां पे क्वेश्चन घुमा सकता है, किसी लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से, कोई लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से उठकर छत से टकरा गया तो ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट का त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, अधिक होगा, मतलब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तभी ऐसा होता है, नीचे का वस्तु ऊपर जाके टकरा जाएगा। आगे ग्रहों की, यहाँ पे ग्रहों की गति नियम किसने दिया, केपलर ने। हम लोग ब्रह्मांड में तो बेहतर ढंग से फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आपको आएगा खगोलीय, खगोल से संबंधित, तो वहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे। ग्रहों के गति नियम किसने प्रतिपादित किया है, केपलर ने। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस कक्षा में, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय भी क्या रहता है, नियत रहता है, घटते बढ़ते रहता है या क्या रहता है, तो वहाँ पे बताना नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको एक बार दोहरा लेते हैं एक मिनट में। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, साथ में बोलते चलिएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है या कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम जाता है, जबकि घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चलने लगे तो देखिए क्या क्या होता है। भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे या 84 मिनट हो जाएगा। आगे, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता घूमना ही बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में जी का मान ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी स्थानों पर जी का मान बढ़ जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार, फिर से दोहराते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है या त्वरण के साथ जा रहा है तो बढ़ा हुआ, नीचे जा ऊपर जा रहा है तो बढ़ा हुआ, नीचे जा रहा है तो घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रहा है तो अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे उतरते समय लिफ्ट की ओर टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होगा। नीचे
यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। ग्रहों की गति नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। या ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्लियर हुआ? अब फटाफट हम लोग देखते हैं आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे अगला पॉइंट्स में। ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, मैं बार बार आपको याद दिलाते रहता हूं, इसलिए एक पॉइंट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैं दो बार तीन बार दोहराता हूं। तो देखिए हाँ, जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि कक्षीय चाल में जो ग्रह का वेग होता है वो हमेशा नियत होता है, और इसके कारण जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब ग्रह सूर्य के नजदीक हो तो उसका वेग बढ़ जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। जब ग्रह सूर्य से दूर हो तो उसका वेग कम हो जाता है। या आप तो ग्रह के जगह पृथ्वी लिख सकता है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो तो उसका वेग बढ़ जाएगा और सूर्य से दूर हो तो उसका वेग घट जाएगा। चलिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों ओर इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे ग्रह आया, चक्कर लगा, तो जब यहाँ पे जैसे ही इसके नजदीक आता है तो ये तेजी से भागता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे भागता है। मतलब एक तरीका से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हो सकता है सूर्य के नजदीक जाता होगा तो उसको ज्यादा गर्मी लगता होगा, तेजी से भाग गया, यानी नजदीक गया तो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उससे दूर जाता है तो ग्रह का वेग घट जाता है। अब आप कभी नहीं भूलिए, नजदीक गया तो उसको ज्यादा गर्मी लगा क्योंकि सूर्य आग का गोला है, तो तेजी से भाग गया, यानी सूर्य के नजदीक गया तो ग्रह का वेग बढ़ गया और सूर्य से दूर गया तो ग्रह का वेग कम जाता है। चलो अगला पॉइंट्स, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे कहते हैं उस ग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण मतलब एक परिक्रमा लगाने में जो समय, काल के मतलब क्या होता है? समय। एक परिक्रमा, एक चक्कर लगाने में जो समय लगाता है वो परिक्रमण काल होता है। जैसे कि पृथ्वी पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 366 दिन लेता है, तो एक साल में एक चक्कर लगाता है, उसको हम लोग साल कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी के अनुसार आगे भी कुछ का और मैं बताऊंगा। वैसे यहां पे फिर से पॉइंट याद दिलाते हैं, जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो वेग बढ़ जाता है, जब दूर हो तो वेग कम जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा लगाने में जितना समय लेगा परिक्रमण काल कहलाएगा। परिक्रमण काल का वर्ग, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला पैदा कर देता है। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा गया था, देखिए यहां पे मैं क्लियर करता हूं। परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, पावर टू, ठीक है ना। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन, के घन मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब पावर थ्री, के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। फिर से, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के सूर्य से औसत दूरी, जैसे ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, इस कक्षा में ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा है क्या, परिक्रमण काल का जो वर्ग है, जो इस समय लगा रहा है उसका वर्ग मतलब टी स्क्वायर, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है। सूर्य से औसत दूरी, जो इसके बीच का जो दूरी है, मान लीजिए कैपिटल आर हम औसत दूरी, उसके घन के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि परिक्रमण काल का स्क्वायर, परिक्रमण काल का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है औसत दूरी के घन के, यानी क्यूब के। यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि टी स्क्वायर, टी से चूंकि काल मतलब समय होता है, टाइम, उसको टी से सूचित करेंगे, तो टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब, जो बीच के दूरी है उसको हम आर ले लिए हैं, जो सूर्य और ग्रह के बीच का औसत दूरी मिला के उसको आर ले लिए हैं, परिक्रमण काल को टी, तो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। अब बोले सर ये क्या लिखे हैं, तो इससे क्वेश्चन बनाया था टेक्निशियन में। चलिए जब समानुपाती हो तो इसको हटा के बराबर लाने के लिए एक कांस्टेंट राशि अपने मन से गुना करते हैं, तो हमने के गुना किया। आप मैथ में पढ़े होंगे समानुपाती हटाने का एक ही उपाय है कि उसमें कांस्टेंट राशि गुना करो, तो इधर कांस्टेंट राशि गुना हुआ, तो के यहां पर देख लीजिएगा, के इंटू टी स्क्वायर बराबर आर क्यू, के इंटू टी स्क्वायर बराबर आर क्यू, तो के बराबर होगा आर क्यू बटा टी स्क्वायर।
आर क्यू बटा टी स्क्वायर, यानी परिक्रमण काल का नियतांक पूछेगा, परिक्रमण काल का नियतांक पूछेगा, बोलेगा कि परिक्रमण काल कोई ग्रह किसी सूर्य का किसी तारे का चक्कर लगा रहा है, सूर्य एक तारा है ठीक है ना, तो बताइए कि परिक्रमण काल का नियतांक क्या होगा, तो जो नियतांक होगा वो आर क्यू बटा टी स्क्वायर, और यदि जो औसत दूरी का नियतांक पूछे तो टी स्क्वायर बटा आर क्यू होगा। वैसे ही याद रखिए तो माइंड में आपको निश्चित रूप से आ ही जाएगा, ये जो थ्योरी क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बनाए बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। आइए, ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी होगा परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, जितना दूर जाएगा परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है, तो ये जितना समय लगेगा, मान लीजिए एक कक्ष है, ये है निश्चित है, ये जो ग्रह है इससे पहले ही एक चक्कर मार देगा, जितना नजदीक रहेगा परिक्रमण काल कम होगा, जितना दूर होगा परिक्रमण काल अधिक होगा। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जितना दूर होगा परिक्रमण काल अधिक होगा, सूर्य से जितना दूर परिक्रमण काल अधिक। यहां देखिए, सूर्य के निकटस्थ ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, कैसे है पूरा ब्रह्मांड में क्लियर कराऊंगा फिगर से। सूर्य के निकटस्थ ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन में, यानी पृथ्वी पर जो हम लोग बनाए कैलेंडर उसके अनुसार मापा जाता है, तो 88 दिन में बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, मतलब सूर्य पर एक बरस 88 दिन का होता है बुध पर। ऐसे भी पूछ सकता है कि बुध पर एक बरस कितने दिन का होता है बुध ग्रह पर, तो 88 दिन का हो जाएगा एक बरस, क्योंकि एक चक्कर वो लगा लेता है। सूर्य के दूरस्थ ग्रह वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं, 2006 तक प्लूटो था सबसे दूर, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अब सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं, इसका परिक्रमण काल है 165 दिन। तो सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन है? बुध, जिसका परिक्रमण काल है 88 दिन, और सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? वो है वरुण, नेपच्यून, जिसका परिक्रमण काल 165 वर्ष, मतलब पृथ्वी पर जो हम लोग जोड़ते हैं उसके अनुसार 165 वर्ष। यहाँ देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। बड़ा ही मजेदार है, किसी ग्रह, देखिए ग्रह किसे कहते हैं? जो तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर, उसे ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर भी कुछ पिंड ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर उपग्रह, तो उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वह चाल जिससे उपग्रह ग्रह के परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? कक्षीय चाल। बड़ा ही मजेदार है, वह चाल जैसे कि ये जो ग्रह है इसके चारों ओर उपग्रह चल रहा है, ये कक्षा में चल रहा है, तो वह चाल जिसके द्वारा उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करता है पृथ्वी से ऊंचाई पर, जैसे पृथ्वी है उसे जितना ऊंचाई या जितना दूरी पर होगा उतना ही उसका परिक्रमण चाल उतनी ही कम हो जाएगा, जितना दूर होगा उसका परिक्रमण चाल कम होगा, जितना नजदीक होगा तेजी से चक्कर मार देगा, बस यही आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करता है पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका कक्षीय चाल उतनी कम होगा, जितना दूर होगा कक्षीय चाल उतना कम होगा, जितना नजदीक होगा कक्षीय चाल उसका अधिक होगा। उपग्रह के कक्षीय चाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा यहाँ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, यदि यहीं पर आपको भी छोड़ा जाए तो आप भी इसी चाल से चक्कर लगाना शुरू कर दीजिएगा, द्रव्यमान कुछ भी रहे द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? ये इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होती है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान कितनों बड़ा या कितनों छोटा रहे लेकिन एक ही कक्षा में घूम रहा है तो कक्षीय चाल समान हो जाएगा। यहाँ ये पृथ्वी तल के अति निकट, मतलब सबसे निकट पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर का चक्कर लगा लेता है। क्लियर हुआ? फिर से, पृथ्वी तल के अति निकट, मतलब पृथ्वी तल के सबसे नजदीक चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग, याद रखिएगा बड़ा मजेदार है। जैसे ये पृथ्वी हो गया और इसका सबसे नजदीक कक्षा ये चक्कर लगा रहा है, तो इसका चाल होगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ ये उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितने समय लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहेंगे। जैसे यहाँ सूर्य के चक्कर लगाने में ग्रह जितना समय ले रहा था, ग्रह का परिक्रमण काल, और ग्रह का चक्कर लगाने में उपग्रह जितना समय लेगा
उसे उपग्रह का परिक्रमण काल। उसी प्रकार परिक्रमण काल भी दूरी पर ही निर्भर करता है, जितना अधिक दूर होगा परिक्रमण काल अधिक होगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। काल मतलब समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये देखिए ये कक्षा है, इसमें चक्कर लगा रहा है, तो ये एक चक्कर लगाया मतलब इतना दूरी तय किया, तो एक चक्कर बराबर परिधि होता है क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो परिधि 2πr होता है। तो परिधि में यदि हम चाल से भाग दे दें तो काल यानी समय निकल जाएगा। इसलिए याद रखना है परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। क्लियर है? आप फोटो भी ले सकते हैं इतना देर में, आराम से स्क्रीनशॉट और छापते चल सकते हैं, नोट्स बनाते चल सकते हैं। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में बचा हुआ है। हम लोग देखते हैं प्लायन वेग, कक्षीय वेग और कितना गुना कितना होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। तो नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे, बिल्कुल बेसब्री से देखिएगा, बोर नहीं होना है, आराम से नोट्स भी बनाते चलना है। निश्चित रूप से आपका बेस्ट तैयार होगा, आज तक ऐसा तैयारी आप नहीं कर पाए होंगे कभी भी, और सिलेक्शन पक्का भी होगा। तो देखते हैं लास्ट, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट्स, बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा, लास्ट होने वाला ही है, धैर्य रखना है। कहता है आप पहले फोटो खींच सकते हैं, इतना दूर मैं रहता हूं, या तो लास्ट में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में नोट्स करते चलिए। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल, ये तो पहले भी बता दिए थे, लेकिन फिर यहाँ पर क्यों लिखे? तो यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि यहीं पे मैं परिक्रमण काल भी बताने वाला हूँ, तो कन्फ्यूजन होता है इसलिए दोनों लिखा। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी है और इसके सबसे निकट जो चक्कर लगा रहा है इसका होगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, पहले भी बता चुके। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, मतलब वो तो चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन परिक्रमण काल मतलब वो एक परिक्रमा लगाने में कितना समय ले रहा है, वो कितना होता है, तो 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। मतलब जो पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह है वो एक चक्कर 84 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट में लगा देता है। फिर से परिक्रमण चाल पूछ दे या कक्षीय चाल पूछ दे उपग्रह का जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और परिक्रमण काल पूछ दे तो 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। क्लियर है? अब आइए भू अस्थाई उपग्रह या भू तुल्यकालीन उपग्रह, बड़ी ही मजेदार है, यहाँ क्वेश्चन बनाता है। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब जिस दिशा में पृथ्वी चलता है, पृथ्वी सूर्य के कैसे चक्कर लाता है, पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, पश्चिम से, तभी तो पूरब में सूर्योदय होता है, तो पश्चिम से पूरब पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर यदि कोई उपग्रह लगाता है उसी दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो भूअस्थाई उपग्रह कहलाता है या भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। फिर से आइए, भूअस्थाई उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है भूअस्थाई उपग्रह कहलाता है, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उपग्रह जो भूअस्थाई उपग्रह भूतुल्यकालीन उपग्रह होता है वो पृथ्वी के किस दिशा में परिक्रमा करता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। आगे भूअस्थाई उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा, मतलब जितना पृथ्वी का घूर्णन काल होता है अपने अक्ष पे उतना ही इसके उपग्रह का परिक्रमण काल भी होता है, कई घंटा, 24 घंटा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भूतुल्यकालीन उपग्रह या भूअस्थाई उपग्रह का परिक्रमण काल किसके बराबर होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, वो एक चक्कर लगाता है इसलिए तो दिन एक दिन 24 घंटे का होता है। तो भूअस्थाई उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। भूअस्थाई उपग्रह की पृथ्वी तल से दूरी होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। भूअस्थाई उपग्रह का जो दूरी होता है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के तल से, वो होता है लगभग 36,000 किलोमीटर या कहीं कहीं 35,800 किलोमीटर या 34,900 किलोमीटर, ऐसा भी दे सकता है, लेकिन लगभग में 36,000 किलोमीटर मैक्सिमम ऑप्शन रहता है। यहाँ ये भूतुल्यकारी उपग्रह कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। नाम याद रखिएगा, सबसे पहले संचार के लिए, मतलब जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का हो गया, टीवी का हो गया, उस संचार को सुव्यवस्थित, सुदृढ़, मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले किसने ऐसा व्यक्त किया था, ऐसा संभावना व्यक्त किया था कि भूतुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह को भी स्थापित कर सकते
सकते हैं संचार के लिए स्पेशल उपग्रह जो हमारे संचार को और मजबूत बना सके। तो उसके लिए किसने दिया था? आर्थर सी क्लार्क, याद रखिएगा। फिर से कहता, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने को कहा था। किसने? आर्थर सी क्लार्क, अब नहीं भूलिएगा। एग्जाम्पल के लिए, भूतुल्यकालिक कक्षा में यह संचार उपग्रह है जिसका नाम है इनसाइट 1A, इनसाइट 1B आदि बहुत सारे ऐसे हैं। इनसाइट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्लियर हो गया? इसी पॉइंट को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल तो 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। भूस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे। भूस्थायी उपग्रह की पृथ्वी तल से दूरी कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर लगभग में। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्त की आर्थर सी क्लार्क ने। एग्जाम्पल के लिए इनसाइट 1A 1B जो भी रहे, इनसाइट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला पढ़ते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट VVI प्लायन बेग के बारे में। प्लायन बेग है क्या? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनाता है कभी नहीं भूलिएगा। इस्केप वेलोसिटी, उसको भी लिखते हैं, भी मतलब इसे इस्केप और भी से वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी प्लायन बेग। तो कहता है वह न्यूनतम बेग, वह कम से कम बेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वो पृथ्वी पर दोबारा लौट के नहीं आता, पृथ्वी फिर उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, वो उसको पार कर जाता है, उस सीमा को पार कर जाता है। तो उसी चाल को, उसी बेग को हम लोग कहते हैं पलायन बेग, एस्केप वेलोसिटी। फिर से पढ़िए, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, अर्थात लौटकर वापस नहीं आता है, उसे कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं? पलायन कर गया, मतलब सदा के लिए चला गया, तो पलायन वेग। तो हम सभी, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √2gr, याद रखिएगा। पलायन वेग बराबर दे देगा √√2gr √√2gr √√3gr। तो याद रखना है पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √√2gr। पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का, किसी भी ग्रह का या उपग्रह का पलायन वेग निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से, जहां पे जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण जिसका निकालिएगा उसका, और आर हो गया त्रिज्या जिसका निकालिएगा उसका त्रिज्या, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर हैं तो इसलिए हमने लिखा है जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण और आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, याद रहेगा। इसके वेलोसिटी प्लायन बेग क्या होता है? वह बेग जिसे फेंके जाने पर कभी लौट के नहीं आता है, प्लायन बेग कहते हैं। एकदम अपने भाषा में प्लायन बेग का मान होता है √√2gr, जहां जी गुरुत्वीय त्वरण, आर पृथ्वी की त्रिज्या। मान रखने के बाद यह हल करके आता है पृथ्वी के लिए प्लायन बेग का मान 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब जो भी उपग्रह या चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 कहीं भी भेजा जा रहा है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजना हो तो कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। तो यहां पे याद रखना है पृथ्वी का प्लायन बेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। क्लियर हो गया? पृथ्वी के लिए प्लायन बेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद हो गया। सूर्य के लिए प्लायन बेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा के लिए प्लायन बेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर से, पृथ्वी का प्लायन बेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य का प्लायन बेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का प्लायन बेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? याद आ गया ये। चंद्रमा के लिए प्लायन बेग याद हो गया। चंद्रमा का प्लायन बेग कम होने का कारण क्या है? वायुमंडल का नहीं होना, वहां वायुमंडल है नहीं इसलिए प्लायन बेग कम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि चंद्रमा का प्लायन बेग पृथ्वी से कम है, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल नहीं है वहां। आ गया ये। किसी उपग्रह का कक्षीय बेग, इसको बोलते हैं VO, इसलिए बोलते हैं कक्षीय बेग, कक्षा कोची मैंने होता ऑर्बिट मतलब, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को VO भी लिख सकते हैं आप। तो किसी उपग्रह का कक्षीय बेग होता है √gr। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है कक्षीय बेग और पलायन बेग में। कक्षीय बेग याद रखिए, किसी उपग्रह का कक्षीय बेग होता है √gr, किसी उपग्रह का कक्षीय बेग होता है √gr, जहां जी गुरुत्वीय त्वरण, आर पृथ्वी की त्रिज्या। तो कक्षीय बेग हो गया gr और पलायन बेग हो गया 2gr, यानी पलायन बेग कक्षीय बेग का कई गुना हो गया √2 गुना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे
आपका क्लियर हुआ कि प्लाइन बेग कछे बेग का रूट टू गुना होता है, क्योंकि कछे बेग होता है रूट अंडर जी आर, प्लाइन बेग होता है रूट अंडर टू जी आर। तो प्लाइन बेग कछे बेग का कई गुना, रूट टू गुना, क्वेश्चन बनाता है यहां पर। अब देखिए यहां, किसी पिंड का प्लायन बेग उसके कछे बेग का कई गुना होता है, रूट टू गुना, या रूट टू का मान 1.414 होता है, इसलिए दे सकता है ऐसे भी। किसी पिंड का प्लायन बेग, पिंड का हो गया या उपग्रह का हो गया, जो भी बोलिए, तो किसी पिंड का प्लायन बेग उसके कछे बेग का कई गुना होता है, रूट टू गुना या 1.41 गुना। यहां से क्वेश्चन बनाता है कि यदि कछे बेग को रूट टू गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो अपनी कक्षा छोड़ के प्लायन कर जाएगा। क्लियर है? या तो पूछेगा कि कछे बेग को कितना गुना बढ़ाया जाए कि वो पलायन, अपनी कक्षा, कोई भी उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ के पलायन कर जाए, तो आप रूट टू गुना बढ़ा सकते हैं या 1.41 गुना बढ़ा सकते हैं, 1.41 गुना। क्लियर है? इतना गुना यदि बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, पलायन कर जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर? कुछ और पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स और बच रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मैं इतना बार बोल देता हूं कि आपको याद रह जाए, और नोट्स बना के दो तीन बार पढ़िएगा, याद हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखेंगे और हम लोग वन लाइनर देखेंगे, निश्चित रूप से याद होगा। तो देखते हैं, एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि इसको बताना बहुत जरूरी था, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना देते हैं। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो पूर्णता पढ़ेंगे, मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन कोई मिस्टेक कर जाए, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं, जब से सीबीटी हुआ है इतना सारा क्वेश्चन सेट बनता है कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है कि कहां से क्वेश्चन दे, इसलिए कभी कभी बड़ा उटपटांग क्वेश्चन देता है। इसलिए हम लोग परिपूर्ण रहेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं छूटेगा। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। यहां पर हम लोग भार यानी वेट पढ़े, वेट, ठीक है ना। भार किसको कहते हैं, भार के बारे में, चूंकि द्रव्यमान और भार दोनों हम लोग, भार जो तोलते हैं किलो में, द्रव्यमान का मात्रक केजी मैंने बताया था, क्लियर है, द्रव्यमान अदिश राशि, जबकि भार सदिश राशि, पूरा डिटेल में बताया था। तो भार कहते किसे है, तो भार एक प्रकार का बल ही होता है, भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। कहता है जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को ही, जितना मतलब कि खींचेगी उतना वो वजन भारी हो जाएगा। पृथ्वी क्या, कोई भी ग्रह जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी वही उसके लिए भार का काम करेगा। तो याद हो गया, जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को वस्तु का भार कहते हैं, अर्थात भार यानी डब्लू बराबर, ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है, इसलिए एफ लिख दिए। इसको एम जी होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, एम हो गया वस्तु पिंड का द्रव्यमान और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, तो भार बराबर होता है एम जी। तो भार का, भार एक सदिश राशि, याद रखिएगा, जितना सदिश राशि आप देखे हो सब में व लगा हुआ होगा, पांच छह को जो याद करवाए थे उसको छोड़ के, लेकिन भार में वह नहीं है, लेकिन इस सदिश से याद रखें, द्रव्यमान अदिश है जबकि भार सदिश है। भार का मात्रक वैसे तो हम लोग तोलते हैं किलोग्राम में, जो हम तोलते हैं तराजू पर किलोग्राम में, क्लियर है, भार का जो मात्रक किलोग्राम, लेकिन न्यूटन भी इसका मात्रक हो सकता है, क्योंकि भार भी एक प्रकार का क्या, बल है। क्वेश्चन में 10 न्यूटन का एक वस्तु ऐसे भी दे सकता है, मतलब वो भार दे रहा है उसका, तो किलोग्राम या न्यूटन भी दे सकता है। आगे है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन बार बार आता है, दोहराते रहता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कई गुना होता है, 1/6 गुना। मतलब आप यहाँ पे 60 केजी के हैं, चंद्रमा पर जाइएगा तो 10 केजी के हो जाइएगा। आप यहाँ पे यदि 48 केजी के हैं तो 1/6 उसका कर दीजिए, 8 केजी के हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल रूप में कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 केजी का है, उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा, तो भार हो जाएगा उसका 1/6, 60 का 1/6 10 केजी। किसी भी वस्तु का भार जो है चेंज हो जाता है, किसी उपग्रह बदल गया तो भार चेंज हो जाए, लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान यदि 60 केजी यहाँ है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 केजी ही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कई गुना होता है, 1/6 गुना। अब याद रह जाएगा आपको। यहाँ पे आगे देखते हैं, कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं, पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा के द्रव्यमान का 81.5 गुना होता है। कितना गुना होता है? 81.5 गुना, 81.5 गुना, याद रह जाएगा सदा के लिए। फिर से दोहराते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कई गुना? 81.5 गुना, 81.5 गुना। क्लियर हुआ? फिर से आइए इसको दोहरा लेते हैं एक बार। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसी बल को हम वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार, भार को हम बल F भी कह सकते हैं, इतना बराबर होता है एम जी, जहां एम हो गया पिंड का द्रव्यमान और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार जो होता है, या भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान क्या पड़े थे? अदिश। तो भार हो गया सदिश राशि, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है या न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है या न्यूटन होता है। आगे, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य, बिल्कुल दोबारा माइंड में फिट हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार, उसके पृथ्वी पर उसके भार का कई गुना होता है? 1/6 गुना। पृथ्वी पर जितना भार है उसका 1/6 गुना भार होता है चंद्रमा पर। आगे है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कई गुना होता है? 81.5 गुना, मतलब 81.5 गुना, याद रहेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का होता है 81.5 गुना। पूरा माइंड फिट हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बार बार पूछता है और हर बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, या कभी कभी बोलेगा कि कितना गुना बढ़ा दिया जाए, कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा, अपनी कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो बोले सर, अभी आप पढ़ाए, पलायन वेग किसको कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिसको, जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो पलायन कर जाता है, पृथ्वी पर लौट के नहीं आता, उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कक्षीय वेग क्या है, तो कक्षीय वेग आप बोले सर √gr, और पलायन वेग क्या है, तो पलायन वेग हो रहा था क्या? √2gr। तो gr हो गया कक्षीय वेग, √2gr हो गया पलायन वेग, मतलब कई गुना बढ़ गया? तो √2 गुना। यदि गुना के रूप में पूछे कि कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि वह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा, तो √2 गुना। लेकिन बोलिया कि सर, यदि हम √√gr और √2gr को यदि हम रेशियो निकाल दे तो gr कट जाएगा, बच जाएगा 1:√2, यानी 1:√2 का मान 1.414 होता है, लेकिन हम इतना ही लेते हैं, पॉइंट काटेंगे, इधर 00 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, कक्षीय चाल 100 हुआ तो ये जो पलायन वेग, कक्षीय वेग 100 हुआ तो पलायन वेग हो गया कितना? 141। तो 100 से 141 हो गया, कई परसेंट की वृद्धि हुआ? 41% वृद्धि हो गया। मतलब यहां से ये मैं आपको क्लियर करके बताया कि कभी नहीं भूलेगा, आपको इतने याद रखना है। पूछ रहा है क्या कि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, तो 41% बढ़ा दिया जाए। कई परसेंट? 41%, या तो कितना गुना कर दिया जाए, तो √2 गुना कर दिया जाए। √2 का मान 1.4 बन रखें तो पता चल गया कि 1 से 1.4 बन हो गया, इसका मतलब 41% की वृद्धि हो गई। अब याद रहेगा, किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग को 41% बढ़ा देंगे तो वो पलायन कर जाएगा। क्लियर हुआ? हम लोगों ने देखा पूरे तरीका से, गुरुत्वाकर्षण का निचोड़ आपके माइंड में मैंने छापने का प्रयास किया है। यदि कुछ त्रुटि है तो क्षमा चाहूंगा, और आपके सुझाव का मैं इंतजार करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये निचोड़ 2-3 बुक से मैं निकालता हूं कि कोई भी पॉइंट आपके लिए नहीं छूटे। हमारा आधार लूसेंट है, लेकिन मैं सभी बुक को फॉलो करता हूं कि आपका बेस्ट तैयारी हो। आप किसी भी एग्जाम, जीके आधारित, मैथ आधारित, रीजनिंग, सभी का फुल तैयारी का ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, तो हमारे मेहनत का, हम सभी के मेहनत का ये फल होना चाहिए। आपका कमेंट और लाइक हमारा मोटिवेशन है, तो जरूर करिए। नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। कोई विद्यार्थी वंचित नहीं होना चाहिए, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सभी के पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।